आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। विकासखंड नारायणबगड़ में 5 दिवसीय खंड स्तरीय खेल महाकुंभ की GIC के खेल मैदान में दूसरे दिन भी काफी रौनक रही। सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ी छात्र छात्राएं अपने खेल कौशल का जौहर दमखम के साथ दिखा रहे थे। युवा कल्याण विभाग चमोली के तत्वावधान में आयोजित खेल महाकुंभ में बतौर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी, विधायक मुन्नी देवी शाह सहित अन्य लोग पहुंचे, जहां सभी ने मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र का अनावरण किया और दीप प्रज्वलित कर दिन की शुरुआत की। हम यहां पे इंटर कॉलेज खेल महाकुंभ खेलने आए हैं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण हमारी कोई खेल नहीं हो पाया था, क्योंकि कोरोना ने इतना ज्यादा कहर फैला दिया था। इस वर्ष हमें खेलने का मौका मिला। हमने यहाँ पे कबड्डी में प्रतिभाग लिया और हमारी टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। हम सभी बहुत धन्यवाद करते हैं सभी गुरुजनों और सभी जो हमें गेम्स खिला रहे हैं। थैंक यू। जो टीम थी वो नारायणगढ़ स्कूल से थी और हम उनके साथ नहीं जीत पाए, पर फिर भी कोशिश की कि हम सेकंड निकले नारायणगढ़ स्कूल के साथ। हमारे छोटे भाई बहन है, उनको भी सिखाएंगे कि ऐसे खेलना चाहिए और संघर्ष नहीं हारना चाहिए जितना हो और उससे भी आगे। मैं कुमारी बिना दिया हूँ और हमने अभी तक 3 टीमों के साथ खेला है। 2 टीमों के साथ जीत गई थी, लेकिन तीसरी टीम NBR की नारायणगढ़ थी, उनके साथ हम सेकंड स्थान प्राप्त किया है। और मैं ये चाहती हूँ कि जो हमसे छोटे हैं वो भी खूब संघर्ष करें और सभी के साथ खुल के खेलें। खेल महाकुंभ के दूसरे दिन U17 बालिका वर्ग की कबड्डी की प्रतियोगिता में न्याय पंचायत नारायणबगड़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर न्याय पंचायत असेड़ और तो वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर न्याय पंचायत असेड़ सिमोली और न्याय पंचायत भगवती की टीमें रही। आयोजन का संचालन युवा कल्याण विभाग के ब्लॉक कमांडर रामानंद भट्ट और चिंतामणि देवराडी ने किया। चमोली से पुष्कर सिंह नेगी, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।